हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 का परसेंटेज चैप्टर यानी यूनिट 12 का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट का ए नंबर है, रोहन गेट 38 आउट ऑफ 50 इन हिज मंथली सेट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स का टेस्ट था, उसमें 50 टोटल मार्क्स था, उसमें 38 लाया। तो एक्सप्रेस हिज मार्क्स इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में कितना लाया। तो चलिए दोस्तों, है ना, पहले ये रोहन गेट्स, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो दोस्तों लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। गेट्स मार्क्स इन एग्जाम, इन अ टेस्ट, कितना मार्क्स गेट किया, तो 38 टोटल मार्क्स इक्वल टू कितना है दोस्तों, 50। इसलिए हम लोग को परसेंटेज निकालना है, इक्वल टू दोस्तों परसेंटेज जो निकालते हैं जितना प्राप्त किया उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना। तो 38 बाई 50, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100, और यहाँ परसेंट लगाएंगे। तो इसको कटाना, तो 52 जा 100, उसके बाद 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, तो 76% आया। बी नंबर में है दोस्तों, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 45 स्टूडेंट है, उसके बाद है 60% आर बॉयज, उसमें 60% बॉयज है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना है दोस्तों, 45। अब बोला है बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है दोस्तों, 60%, 60% ऑफ कितना का, 45, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो 60% हटाएंगे तो बटन में 100 होगा, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 45, एक जीरो से इसको कट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और 2 से 3 कट जाएगा, 3 बार में 9 3 जा 27, दोस्तों नीचे में तो सब कट गया, 9 3 जा 27, ये कितना आ गया, बॉयज आ गया दोस्तों। परसेंट नहीं होगा क्योंकि परसेंट तो हटाए हैं हम लोग, तो 27 बॉयज हो जाएगा। समझ में आया होगा, अगला बता रहा हूँ। नेक्स्ट सी नंबर है, इन एन ऑर्चर्ड ऑफ 400 ट्री, एक बागीचा में 400 ट्री है, 35% आर मैंगोज ट्री, 42% आर एप्पल ट्री, एंड द रेस्ट आर ग्रेप्स वैन, हाउ मेनी ग्रेप्स वैन आर देयर। तो ग्रेप्स वैन निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ ट्री है दोस्तों, इक्वल टू 400, नंबर ऑफ ट्री 400, यहाँ मैंगो ट्री कितना दिया हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैंगो, परसेंट ऑफ मैंगो ट्री, परसेंट ऑफ मैंगो एंड एप्पल ट्री, तो मैंगो ट्री दोस्तों 35% है, प्लस एप्पल ट्री 42% है, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों 5 प्लस 2 7, और 4 प्लस 3 4 प्लस 3, ये भी 7, तो 77% दोनों मिला के, क्योंकि दोस्तों टोटल परसेंट होता है 100, टोटल परसेंट इक्वल टू 100, तो दोस्तों 100 में 77 खत्म हो गया, तो हम लोग को दोस्तों ग्रेप्स वैन कितना बचेगा, इसमें घटा देंगे, इसलिए परसेंट ऑफ, है ना, ग्रेप्स वैन
तो 100 माइनस 77, इसलिए 10 में दोस्तों 0 में नहीं घटेगा, तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3, दोस्तों यहाँ कैरी दे दिए थे तो 9 बचेगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, तो 23% ये निकल गया क्या हम लोग का ग्रेव वैन है ना। तो अब हम लोग के यहाँ हाउ मेनी ग्रेव वैन इन देयर, तो नंबर ऑफ ग्रेव वैन निकाल लो आप लोग को, इक्वल टू क्या होगा 23% ऑफ कितना का 400, दोस्तों 23% हटाएंगे बटन में 100 होगा इनटू 400, दोस्तों ये 100 से 100 कट गया, 43 जा 12 का 2 कैरी 1, 42 जा 8 1 9, तो 92 हो जाएगा ग्रेव वैन। दोस्तों इसको और भी तरह से बना सकते हैं, ये बहुत इजी था, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ये जो 77 निकाले ना तो पहले 400 का ये निकाल लेते, जो भी आंसर आता उस आंसर को इसमें घटाते तब भी यही आता, लेकिन ये मेथड उससे ज़्यादा अच्छा है तो ये बनाए, और भी तरह से बना सकते हैं। चलिए अगला बता रहा हूँ, उसके बाद है डी नंबर, मिस्टर महेश अर्न 7200 पर मंथ, मतलब मिस्टर महेश जो है इतना पर मंथ कमाता अर्न करता है, ही स्पेंड 33.13% ऑन फूड, इतना फूड में खर्चा करता है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। तो दोस्तों पहले लिख देंगे महेश अर्न पर मंथ इक्वल टू कितना दोस्तों 7200 रुपी है, रुपी का साइन लगा देता हूँ। उसके बाद ही स्पेंड्स ऑन फूड इक्वल टू कितना 33.13% ऑफ कितना का तो 7200। तो इसको दोस्तों हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं, इस पूर्णांक तोड़ने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जोड़ते हैं, 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर 99 प्लस 1 100 बाय 3 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में होगा 100, तो दोस्तों 3 इंटू 100 करेंगे तो 300 लिख देता हूँ, और इंटू ऑफ मतलब इंटू 7200, ये 00 इससे भी कट कर सकते हैं, इससे भी कट देते हैं, इसी को कट कर देते हैं दोस्तों, और 3 से ये कटेगा ही, तो 32 जा 6 क्योंकि यहाँ 6 हुआ तो 7 था, तो यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, 34 जा 12 तो हो जाएगा 2400। दोस्तों रुपया आया, और आपको अगर इसको दिक्कत है ना तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2400 आ जाएगा, तो हमारा होगा दोस्तों, आप नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बता रहा हूँ, उसके बाद ई नंबर में है दोस्तों, अनिल गोट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800 एंड गोपाल गोट 486 मार्क्स आउट ऑफ 900 इन एन एग्जामिनेशन, हु स्कोर बेटर, तो कौन ज़्यादा कौन बढ़िया स्कोर किया। चलिए दोस्तों ये बना लेता हूँ, तो पहले अनिल के बारे में निकाल लेता हूँ, ई नंबर में इसमें दो क्वेश्चन ज्वाइन है, तो अनिल गोट मार्क्स इक्वल टू 440 टोटल मार्क्स एट हंड्रेड, तो परसेंटेज ऑफ अनिल का हो जाएगा दोस्तों 440 बाय 800, दोस्तों परसेंट निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लगा दिए, 00 से 00 कट कर दिए, 8 से कटाएंगे तो 8 5 जा 40 क्योंकि यहाँ 40 था, फिर 8 5 जा 40, तो इसका आया 55%, अनिल का आ गया 55%। नेक्स्ट है दोस्तों इसका दूसरा वाला जो इधर वाला है ना कहाँ वाला, ये अब गोपाल का गोपी का निकाल लेते हैं, गोपी गोट मार्क्स कितना तो 486, उसके बाद है इसमें टोटल मार्क्स हो जाए कितना, टोटल मार्क्स दिया हुआ 900, तो परसेंटेज इसका भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ गोपी इसलिए हो जाएगा कितना 486 बाय 900 और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये परसेंट में चेंज हो गया दोस्तों, 00 से 00 कट गया, 9 से ये कटना चाहिए, देखते हैं कटता है,
हाँ कटेगा दोस्तों, तो नाइन कई बार मुझे 9 5 जा 45, क्योंकि यहाँ 45 में यहाँ तो 48 था, तो 3 यहाँ बच जाएगा, इखीरी छोटा करके ले लेते हैं, और 9 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, तो आंसर आ गया 5 4, है ना, ये कितना परसेंट। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, आपको अगर दिक्कत होगा ना तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ 4 8 6 है, तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, तो 9 5 जा देखिए 45, 3 बचेगा ये कट जाएगा 6 36। तो दोस्तों यहाँ देखिए 54 आया, तो 54 इसमें आ गया, और इसमें कितना आया मतलब गोपी का परसेंट कितना आया 54, और अनिल का 55 आया, है ना। तो दोस्तों किसका ज़्यादा आया, अनिल का ज़्यादा है देखने में से लग रहा है आपको। तो उसके बाद यहाँ बोलता है हुज स्कोर इज बेटर, तो दोस्तों इसका 1% इससे ज़्यादा है, तो हम लोग निकल देंगे अनिल, दोस्तों ये अनिल है, अनिल स्कोर बेटर, अनिल स्कोर बेटर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।